आगे बढ़ रहे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है जहां पर दून मेडिकल कॉलेज में भीषण आग लग गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कॉलेज के एमआरआई सेंटर में आग लगी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आग लगने से कई मशीनें खाक हो गई हैं जो जानकारी मिल रही है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग को बुझाने में प्रयास किए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इस समय मौके पर पहुंची हुई हैं। फायर ब्रिगेड की टीम से लगातार आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। सतेंद्र बर्थवाल और जानकारी देंगे, दून मेडिकल कॉलेज से बड़ी खबर आ रही है। सतेंद्र बर्थवाल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कॉलेज के एमआरआई सेंटर में आग कैसे लगी है, शुरुआती जांच में पुलिस क्या कुछ कह रही है और क्या आग पर काबू पा लिया गया है? बिल्कुल कंचन, मैं आपको बता दूं, दून मेडिकल कॉलेज में ये आग की घटना हुई है। करीब एक घंटा पहले की यह घटना है। अभी भी आग यहाँ पे लगी है और जो फायर ब्रिगेड की टीम है ये मौके पर पहुंची है, लगातार आग पे काबू पाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि छोटी गाड़ियां अंदर गई हैं, बड़ी गाड़ियां नहीं आ पा रही हैं क्योंकि रास्ता सकरा था, इसलिए छोटी गाड़ी जो लगातार पानी भरना और उससे काफी दिक्कतें सामने आ रही है। लेकिन इस पूरी घटना में कम से कम एमआरआई मशीनों के साथ कई मशीनें यहाँ पे खाक हो गई है। अभी तक जो जानकारी मिली है कि प्रथम दृष्टया ये जानकारी मिल पा रही है कि शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। जी बिल्कुल, पहले ही स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो मशीनें हैं उनकी कमी बताई जाती है और ये इतना बड़ा हादसा जिसमें मशीनों के जलकर नष्ट होने की जानकारी मिल रही है। अभी भी आग लगी हुई है जैसा कि जानकारी हमारे सहयोगी सतेंद्र बर्थवाल दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका सतेंद्र जानकारी के लिए। जया बच्चन ने जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठाए तो सभापति ने भी तीखे लहजे में पूरे विपक्ष को मर्यादा का पाठ पढ़ा दिया। व्यक्ति विशेष आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं जिसमें आप देखेंगे जगदीप धनखड़ वर्सेस जया बच्चन सदन में हो रखा है और बीते कुछ दिनों से लगातार विवाद की खबरें सामने आ रही हैं। नाम से शुरू हुआ यह विवाद लहजे पर आकर रुका है, सम्मान पर आकर रुका है। एक्टर डायरेक्टर जैसे शब्दों से होते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर पहुंचता हुआ यह विवाद नजर आ रहा है। उधर विपक्ष और सरकार दोनों के बीच की तीखी बयानबाजी भी अब देखी जा रही है। इस विवाद को लेकर किसने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, जया जी टेक योर सीट। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट माई लैंग्वेज माई टेम्पर। नो डोंट अप्रोच नाउ, नो इनफ ऑफ इट। संसद के मानसून सत्र के दौरान कई मुद्दों पर सर्वपक्ष के बीच तीखी बहस दिखाई दी। कई बार दोनों ही सदनों में गर्मागर्मी का माहौल बना, लेकिन राज्यसभा में जया बच्चन के नाम को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो अब एक बड़ी सियासी लड़ाई का पाला खींच चुका है। विपक्ष माफी की मांग पर अड़ा है तो सरकार सम्मान का सवाल बताकर अड़ चुकी है। जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच सदन के अंदर एक हल्के फुल्के माहौल में शुरू हुई खींचतान कई पड़ाव से होकर एक बड़ी सियासी लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। आपको घटना दर घटना बताएंगे कि आखिर ये कैसे शुरू हुआ और क्यों जया बच्चन के नाम को लेकर जिद को विपक्ष ने नाक का सवाल बना लिया। ये झगड़ा सचमुच किसी अहम बात पर है या बस फिर विरोध के नाम पर सियासी रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है? सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। यू हैव अर्नड अ ग्रेट रेपुटेशन, यू नो एन एक्टर इज सब्जेक्ट टू द डायरेक्टर। माई टोन, नो 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 शीट गिवन टू यू, नो नो डोंट अप्रोच नाउ, नो इनफ ऑफ इट, इनफ ऑफ इट, नो इनफ ऑफ इट, यू कांट हैव इट। यू मे बी एनीबॉडी, यू मे बी अ सेलिब्रिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेकोरम, नो नथिंग डूइंग, नथिंग। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है? मैं बदल दीजिए, बदला दूंगा। बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। दरअसल इस झगड़े की शुरुआत जया बच्चन के नाम को पुकारने को लेकर शुरू हुई थी। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। सदन में सदस्यों के संबोधन में जब जया बच्चन की बारी आई तो स्पीकर ने दस्तावेज में लिखा नाम
जया अमिताभ बच्चन कहकर उन्हें पुकारा। अचानक जया बच्चन को ये नागवार गुजरा और अपनी अलग पहचान का हवाला देते हुए उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और इसे सिर्फ जया बच्चन कहने की मांग की। इसे लेकर भी काफी तीखी नोकझोंक हुई। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं। आपकी बड़ी विशिष्ट उपलब्धि है। ये जो नया शुरू हुआ है, आई जस्ट जया बच्चन के नाम को लेकर विवाद पर विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन इसके बाद जया बच्चन और स्पीकर के बीच हल्के फुल्के अंदाज में सदन में खींचतान हुई थी। इस बार जया ने भी अपना नाम खुद जया अमिताभ बच्चन पढ़ा था। लंच ब्रेक, वन सेकंड में, यस, लेट मी बी सीरियस एट योर लाइटर नोट एंड लेट मी बी वेरी सीरियस एट योर वेरी लाइटर नोट। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूं। आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। आप उनके नाम बगैर लिए आपका खाना हजम ही नहीं होगा। अभी एक चीज बताऊं, लाइट नोट पर बताऊं, मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं लिया, पर उसके बाद मैंने लंच जयराम जी के साथ लिया और आज ही लिया। एंड लेट मी टेल दी डिस्टिंग्विश्ड ऑनरेबल मेंबर, ये पहला मौका शायद कि मैं आपका भी फैन हूं और अमिताभ जी का भी हूं। है? नहीं, ऐसा कोई कपल मुझे मिला नहीं और। तभी मेरा नाम ऐसा। On that point. Thank you. कई दौर की हल्की फुल्की झड़प के बाद 9 अगस्त को जब सदन में जया बच्चन के बोलने की बारी आई तो उन्होंने फिर से यही मुद्दा उठाते हुए स्पीकर की टोन पर तीखा एतराज जता दिया। जया बच्चन की तरफ से हुई इस टिप्पणी पर जगदीप धनखड़ भी उखड़ गए और जया बच्चन के साथ साथ पूरे विपक्ष की क्लास लगा दी। इस दौरान जया बच्चन को जगदीप धनखड़ ने खरी खरी सुना दी। सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है? मैं बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं मैं एक सेकंड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द एसोसिएशन फॉर मैरिज एंड माय हस्बैंड। एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य नो सर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय नेम एंड माय हस्बैंड एंड हिज अचीवमेंट। मैम आपको एक बात बताता हूं, इट सिग्निफाइज आभा जो मिट नहीं सकती। आई एम वेरी हैप्पी। वन सेकंड, टेक योर सीट, सो डोंट वरी। ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया, पहले नहीं था। हां, वन सेकंड। मेरा माननीय सदस्यगण, इस तीखी बहस के बाद विपक्ष प्लामबंद हो गया। जया बच्चन ने स्पीकर की टोन पर एतराज जाहिर करते हुए माफी की मांग की तो विपक्ष ने एकजुट होकर अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर। एन एक्टर इज सब्जेक्ट टू द डायरेक्टर। जया बच्चन के नाम से शुरू हुए विवाद को विपक्ष ने नाक का सवाल मान लिया है तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी इसे सभापति के सम्मान और उनकी साख से जुड़ा हुआ मसला मान लिया है। फिलहाल विपक्ष ने इस मसले पर प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या विपक्ष के पास इतनी ताकत है कि ये प्रस्ताव ला सके या सदन के अंदर कार्रवाई के दौरान तय आवश्यक समर्थन इस प्रस्ताव पर जुटा सके।
या फिर सिर्फ ये महज एक सियासी दांव भर ही है। जया जी, टेक योर सीट। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। जया बच्चन के नाम पर शुरू हुए विवाद को विपक्ष नाक का सवाल बना चुका है, तो वहीं सरकार इसके सम्मान पर साग का सवाल मान चुकी है। विपक्ष प्रस्ताव की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या विपक्ष के हिस्से में इतनी ताकत है कि वो ऐसा कर सके? और ये क्या एक महज एक विरोध है या फिर एक गंभीर सियासी लड़ाई जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो विवाद अमिताभ बच्चन के नाम से शुरू हुआ था, जो कि अब टोन पर पहुंच गया है। देखिए, सभापति और विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी बहस अब एक विवाद का रूप ले चुकी है। विपक्ष सभापति को हटाने के लिए लामबंद दिख रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के इस स्पेशल प्लान में कितना दम है यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आखिर यह कैसे संभव है, क्या प्रक्रिया है और क्या मौजूदा हालात में ऐसा हो पाएगा, देखिए इस रिपोर्ट में। सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। माई लैंग्वेज, माई टेम्पर, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेकोरम। नो, राज्यसभा के सभापति और विपक्षी सदस्यों के बीच अनबन अब टकराव में बदल गई। नौबत इस हद तक पहुंच गई कि विपक्षी दलों ने सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। प्रस्ताव औपचारिक रूप से आता है तो संसदीय इतिहास में पहली बार होगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल विपक्ष कर रहा होगा। खबर है कि राज्यसभा में एसपी सांसद जया अमिताभ बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच हुई बहस के बाद माहौल बिगड़ गया। राज्यसभा के 87 सदस्यों ने आनन फानन में उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। दरअसल धनखड़ और विपक्ष के बीच लंबे समय से तकरार चल रही है। गुरुवार को ऐसी ही तनातनी के बीच धनखड़ अपने आसन से उठ गए थे और इन सब के बीच ये विवाद इसे और तूल दे चुका है। तो विपक्ष ने हटाने के लिए दमखम की आजमाइश की तैयारी कर रहा है। अभी ये तय नहीं है कि उपसभापति के खिलाफ प्रस्ताव कब पेश होगा, लेकिन खबर है कि अभी विपक्षी सदस्यों के हस्ताक्षर का सिलसिला बढ़ा रहा है। हालांकि प्रस्ताव को दाखिल करने के लिए 2 सदस्यों के हस्ताक्षर ही काफी हैं, लेकिन विपक्ष पूरी ताकत दिखाना चाहता है। किसी भी रिजोल्यूशन को पास करने के लिए उनके पास पर्याप्त संख्या बल राज्यसभा में नहीं है। इसके बाद भी इस तरह का एक प्रस्ताव पास करना और इस बात पर अड़े रहना कि वे महाभियोग लाएंगे और चाहेंगे कि सभापति को वो हटा सकें, ये साफ तौर पर एक तरह से अपनी शक्ति प्रदर्शन का ही एक तरीका मुझे लगता है। क्योंकि अगर उन्हें इस तरह से कुछ करना होता और वाकई में वे चाहते कि उन्हें हटाया जाए, तो वो निश्चित तौर पर इस बात को सुनिश्चित करते कि उनके पास संख्या है। और चूंकि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति ही होते हैं, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति के पद से भी उन्हें हटना पड़े, ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी घटना है और जानबूझकर विपक्ष ने इस तरह का मुद्दा उठाया है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति, हटाने के लिए राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव जरूरी। प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नोटिस भी देना होगा। वहीं अब सवाल यह है कि राज्यसभा में दलीय स्थिति क्या है। राज्यसभा में अभी 225 सदस्य हैं। बीजेपी के 86 सदस्य समेत एनडीए के 101 सदस्य हैं। इंडिया ब्लॉक के 87 सदस्य हैं। ऐसे में वाईएसआरसीपी के 11, बीजू जनता दल के 8 और अन्ना द्रमुक के 4 सदस्यों को मिलाकर 23 सदस्यों की भूमिका अहम होगी। हालांकि 3 सितम्बर को राज्यसभा की 12 सीटों के चुनाव है। कम से कम 10 सीटें भाजपा को मिलेंगी, यानी उसकी सीटें 96 हो जाएंगी और एनडीए की सीटें 111 हो जाएंगी। 12 सदस्य बढ़ने से राज्यसभा में 237 सदस्य हो जाएंगे और बहुमत 119 पर होगा। अब राज्यसभा की अगली बैठक इस चुनाव के बाद ही होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार लौट रहे हैं फटाफट खबरों के साथ।